अस्सलामुअलैकुम। रियासत कर्नाटक के अंदर बेलगाम असेंबली सेशन चल रहा है। मैं रियासत कर्नाटक की हुकूमत को, जो बीजेपी सरकार है, इस बात का मुतालबा करता हूँ कि पूरे भारत के अंदर बीजेपी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, मगर रियासत कर्नाटक के अंदर बिलखसूस अकलियतों का ये बीजेपी सरकार ने सर्वनाश करके छोड़ दिया है। माइनॉरिटीज़ के बच्चे इतने परेशान हैं एजुकेशन लोन के ताल्लुक से, जो आप सिर्फ एजुकेशन लोन उन्हीं को मिल रहा है जो उसको गवर्नमेंट सीट लगती है, वो भी गवर्नमेंट सीट मेडिकल और इंजीनियरिंग के वास्ते जो है ना गवर्नमेंट लोन दिया जा रहा है, वो प्राइवेट कोठे वालों को नहीं दिया जा रहा। और माँ बाप ही जो बच्चे नर्सिंग का कोर्स करते थे, पैरामेडिकल कोर्स करते थे, बी वगैरह जो टेक्निकल कोर्स जो प्राइवेट कोटे में रहते थे, सभी को एजुकेशन लोन मिलता था। माइनॉरिटीज़ के अंदर कुछ थोड़ी सी खुशहाली हो रही थी, तरक्की हो रही थी, माइनॉरिटीज़ के बच्चे कुछ अच्छा एजुकेशन हासिल कर रहे थे, मगर ये बीजेपी सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बोल के कर्नाटक के अंदर पूरे अकलियतों का सर्वनाश करके छोड़ दिया है। मैं बिलखसूस बीजेपी सरकार को पर यह इल्ज़ाम लगाता हूँ कि बीजेपी सरकार कर्नाटक स्टेट के अंदर बिलखसूस अकलियतों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और उनकी हक तलफी कर रही है, उनका हक छीन रही है। भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि भारत के अंदर बसने वाले माइनॉरिटीज़ अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ हो, उनका प्रोटेक्शन हो, उनकी तरक्की के लिए काम किया जाए, मगर यह कर्नाटक स्टेट के अंदर बीजेपी सरकार संविधान के खिलाफ जा रही है और बिलखसूस माइनॉरिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। और इसकी जिम्मेदार मैं बिलखसूस कांग्रेस को भी ठहराता हूँ, जबकि रियासत कर्नाटक के अंदर जेडीएस और कांग्रेस की सरकार थी, कुमारस्वामी की सरकार थी। उस कुमारस्वामी की सरकार को गिराने में भरपूर हाथ जेडीएस कांग्रेस का है। और ये जितना बीजेपी जुल्म और अत्याचार कर रही है माइनॉरिटीज़ के ऊपर, उससे ज्यादा जुल्म अत्याचार कांग्रेस की जिम्मेदार है। इसके ताल्लुक से जो बजट की बात कर रहे हैं आप, जी इस ताल्लुक से सवाल उठाया गया है, तो बीजेपी का ये कहना है कि कोरोना और कोविड को लेकर ये बात कर रहे हैं। दूसरे और भी जो है सोना, जो भी तबके के लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है, जैसा कि जो और भी जो सोना वेलफेयर कॉरपोरेशन है उनको भी जो सोना मिल रहा है, मगर अकलियतों के वेलफेयर के वास्ते क्यों बजट रुक रहा है कोरोना के ताल्लुक से? मेरा सवाल हुकूमत से यह है, जितने और वेलफेयर कॉरपोरेशन है उन सबको मिल रहा है, मगर माइनॉरिटीज को क्यों नहीं मिल रहा है? एग्जाम्पल आप मालूम, हम किसी का ये नहीं चाहते, हमको हमारा अधिकार हमारा हक चाहिए। कोरोना का सेंट्रल से बजट आया था, कोरोना के वास्ते स्पेशली बजट था, वो बजट किधर गया? मैं हुकूमत से सवाल करता हूँ, जब हमारा बजट आप रोक के कोरोना के लिए इस्तेमाल करें तो कोरोना के लिए आया वाला बजट किधर यूटिलाइज हुआ? है ना भाई बात? और बिल्कुल जो कांग्रेस सरकार इसकी जिम्मेदार है, जब सीधा कुमारस्वामी सरकार चल रही थी तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इनको हजम नहीं हुआ, इन्होंने कुमारस्वामी सरकार को गिरा दिए और बीजेपी को बर्दाश्त करती है कांग्रेस, मगर जेडीएस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूत करना नहीं चाहती। जेडीएस असेंबली में भी सवाल उठा, और मैं जेडीएस के भी हमारे कुमारस्वामी साहब और बिलखसूस हमारे बंडप्पा खासिमपुर साहब जो हमारे बहुत ही बेहतरीन लीडर है, उनसे मैं इस बात की अदबंदाना दर्दबंदाना गुजारिश करता हूँ कर्नाटक स्टेट के माइनॉरिटीज के नौजवानों की तरफ से, जो एजुकेशन लोन उनको नहीं मिल रहा, बच्चे जो मेडिकल पढ़ना चाहते थे पेमेंट सीट में, और जो पैरामेडिकल करना चाहते हैं, जो नर्सिंग करना चाहते हैं, जो टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, कई बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, उनको आगे प्रमोट नहीं कर रहे, उनको जो सोना फीस भरो आगे प्रमोट करते हैं बोल के, मगर फीस भरने इनके पास पैसा नहीं है, इन्हों एक लोन मिलता बोल के वो आज से बच्चे एडमिशन लिए टेक्निकल कोर्स में। बंडप्पा साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ, और जो सोना बिलखसूस जो माइनॉरिटीज के नाम पे वोट लेकर कामयाब होकर असेंबली में जाते हैं, जो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि बिलखसूस रहीम खान साहब से भी गुजारिश है, कनीज फातिमा से गुजारिश है, यूटी खादर से गुजारिश है, और हमारे जितने भी रिजवान अरशद से गुजारिश है, जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, हम मुसलमानों के लीडर कहलाते हैं कर्नाटक स्टेट के अंदर हम है बोल के, मगर आज कर्नाटक स्टेट का मुसलमान परेशान है, माँ बाप परेशान है, बच्चे तालीम से परेशान है। मैं बिलखसूस ये 7 MLA जो कांग्रेस से जीते हैं इनसे मैं गुजारिश करता हूँ, अगर आप असेंबली के अंदर आवाज़ नहीं उठा सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए, आप MLA कहलाने के काबिल हैं। जब कौम मुसीबत के वक्त में तुम कौम का सहारा नहीं दे सकते तो लाना था तुम्हारी MLAship को ऊपर। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिनों में कौम तुमको तुम्हारी असली जगह दिखा देंगी। मेरा नाम वसीम किरमानी, JDS डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी विंग, और मैं JDS के भी तमाम MLA से और बिलखसूस बंडप्पा खासिमपुर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी साहब मेहरबानी फरमाकर इस हक पे आवाज़ उठाइए, मजलूम बेबस अकलियतों के बच्चों के इस एजुकेशन के वास्ते आवाज़ उठाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।